में एक दुकान पर भीषण आग लगी। बता दें काजी फुटवेयर की दुकान पर ये आग लगी थी। वही बताया जा रहा है कि इस दुकान के दूसरे फ्लोर पर आग लगी थी। वही आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते तीसरे फ्लोर तक पहुंच गई। वही अगर हम बात करें तो फायर सर्विस की टीम और पुलिस मौके पर ही पहुंच गई। वही अगर बात करें तो रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी होने के कारण फायर ब्रिगेड को पहुंचने में समय जरूर लगा, पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर ही पहुंच गई। वहीं अगर बात करें तो फौज के युवाओं ने इस आग पर काबू डालने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको बता दें फौज के युवा लोगों के घरों से बाल्टियां पानी भर भर कर इस आग पर डालते रहे और आग पर फायर ब्रिगेड के साथ युवाओं ने भी आग पर काबू डालने में मदद की। आपको बता दें एक देर तक आग की लपटें जो है वो दिखाई देती रही और इतना धुआं था कि लोगों के घरों तक ये धुआं पहुंचना शुरू हो गया। वहीं अगर सबसे पंच के स्क्वाड ने और उसके अलावा फायर ब्रिगेड और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो पुलिस के युवाओं ने इस आग पर काबू डालने में पूरा योगदान जो है वो दिया है। देखिए जे चैनल की ये खास रिपोर्ट।
सबसे बड़ी बात है, इस समय आप देख रहे हो यहाँ मार्केट में मेन बाजार में इस समय काजी फुटवेयर की दुकान पे आग लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी नौजवानों ने ये आग को देखा, उन्होंने उसी समय तुरंत फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया और पुलिस प्रशासन को भी थाने में फ़ोन कर दिया। लेकिन फायर ब्रिगेड को यहाँ पे पहुँचने में वहाँ कहाँ वो प्राणी पुंज कितनी दूर है, एक तो वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है इस समय, और सबसे बड़ी बात है कि हमने मीटिंग्स में कितनी बार बोला कि फायर ब्रिगेड की एक आधी गाड़ी थाने में लगाई जाए ताकि यहाँ पे अगर कोई हादसा हो, इस तरह का हादसा हो, तो फायर ब्रिगेड तुरंत पहुँच सके। और मैं तमाम पुंछ वासियों से अपील करता हूँ, कृपया करके वो बाजार में गाड़ियाँ ना लगाएं, गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाने में, अगर यहाँ पे नौजवान पूछ के नौजवान इस समय देखो अपनी जान पे हथेली पे लेके इस समय वो भी पूरे प्रशासन के साथ आग बुझाने में लगे हुए हैं। और मैं कहूँगा कि एक हमारी जो डिमांड थी कि फायर ब्रिगेड की एक जो गाड़ी है मेन गाड़ी वो थाने में हो। कितना नुकसान हुआ होगा इस समय? मेरे को लगता है कि जो इस समय सिचुएशन देख रहे हैं, इसकी दुकान पूरी तरह से इस समय जल रही है। हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम बचाने की कोशिश करें, और मेरे को नहीं लगता कोई इसमें बचा होगा कुछ।